अब से कुछ देर में किसान और सरकार की अहम बैठक होनी, 8वें दौर की मीटिंग होगी। 39 किसान संगठनों के प्रतिनिधि चर्चा के लिए पहुंच गए हैं। एमएसपी गारंटी की मांग है, कृषि कानून वापस लेने की मांग है, और इन्हीं दोनों मांग को लेकर यहां पर मीटिंग होने वाली है। किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर इस मीटिंग में सहमति नहीं बनती है तो आने वाले दिनों में और भी इस आंदोलन की धार को तेज करेंगे। संशोधन के लिए किसान तैयार नहीं है। अब से कुछ देर पहले हमने आपको सुनवाया था, राकेश टिकैत जो वहां पर मौजूद थे, जो कि पहुंचे थे विज्ञान भवन में, उन्होंने कहा था कि हमारी यही मांग है और जब तक ये मांगे, जो भी मांगे उसको माननी नहीं जाती है, तब तक हम वहीं पर डटे रहेंगे। यानी कि जिस तरीके से सड़कों पर किसानों का जमावड़ा है वो बना रहेगा। इस बीच लाइव तस्वीरें विज्ञान भवन की आपको दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर देखे। तमाम जो किसान संगठन है जिनसे अभी तक 7 दौर की मीटिंग हुई है, वो तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है। आज की जो बैठक होगी, आज जो बातें रखी जाएगी, वो बहुत निर्णायक और बहुत अहम, और संभवतः अब यहां से अब आगे क्या कुछ होगा उसको लेकर आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अलग अलग किसान संगठन से जुड़े नेता आपको नजर आएंगे। राकेश टिकैत का जिक्र हो रहा है क्योंकि तस्वीरों में भी आपको राकेश टिकैत इस वक्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर यह बात एक बार फिर से स्पष्ट कर दी है कि जब तक हमारी मांगे, सभी मांगे, सरकार नहीं मानती है, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। जो मांग अभी मानी गई है उसको आप 50% नहीं मानेंगे। यही दो मांगे जो हमारी मेन है, जब तक सरकार उस पर आगे विचार नहीं करती तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की भी मांग किसानों ने की है, लेकिन मुख्य जो मांगे हैं वो तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग है और एमएसपी को लीगलाइज करने की मांग यहां पर किसानों के द्वारा कही गई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि हम इस पक्ष में हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकले, और उम्मीद सरकार की ओर से जाहिर कर दी गई थी कि 8वें दौर की बातचीत संभव इस क्रम में आखिरी बातचीत हो और यहां से जो सुलह है वो निकल जाए। लेकिन अब आने वाले दिनों में, अब आज की इस बैठक में क्या कुछ अहम बातें निकलकर सामने आती हैं वो देखना महत्वपूर्ण होगा। जब 7वें दौर की मीटिंग हुई थी तो आपको याद होगा कि दो विषयों पर सहमति बनी थी, जिस पर एक विषय पराली का मुद्दा, क्योंकि उस पर जुर्माने की राशि को लेकर यहाँ पर किसानों ने एतराज जाहिर किया था। इसके अलावा जो दूसरा मुद्दा था वो बिजली बिल्स में सब्सिडी को लेकर था, जिसको लेकर यहाँ पर किसानों ने अपनी बात कही थी, इस पर सहमति बन गई। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं विज्ञान भवन की, ये लाइव तस्वीरें। अब से कुछ देर बाद जो मीटिंग है वो शुरू होगी और 8वें दौर की ये मीटिंग है जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बैठक में क्या बनेगी बात या फिर आंदोलनरत जो किसान है वो इसकी धार को और भी तेज करेंगे वो देखना महत्वपूर्ण है। लेकिन वहां की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, विज्ञान भवन के बाहर कैसी हलचल है, विज्ञान भवन के भीतर की कैसी तस्वीर थी वो भी हमने आपको इस वक्त दिखाई, देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। तमाम जो किसान नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, हाथ में हाथ मिलाकर वो यहाँ पर मीडिया के सामने तस्वीरें क्लिक करवाते हुए, क्योंकि ये जो दिन है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि सरकार की ओर से ये बात स्पष्ट कर दी गई कि तीनों कृषि कानूनों को तो हम वापस नहीं लेंगे, संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन आज क्या फॉर्मूला निकलता है वो देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहीं से अब आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी वो यहीं से तय होगा। और ऐसे में ये दो तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, अब इस मीटिंग के बाद कैसी तस्वीरें निकलती हैं, कैसी तस्वीरें बनती हैं वो देखना महत्वपूर्ण। क्या ये अंतिम अध्याय होगा, क्योंकि पिछले 39 दिनों से दिल्ली के दहलीज पर किसानों का जमावड़ा है। दरअसल जब से ये तीनों कृषि कानून आया है तब से किसान आंदोलनरत हैं। हालांकि पहले जो ये विरोध था वो पंजाब के किसानों के द्वारा देखने को मिला, वहां पर रेलवे ट्रैक्स को ब्लॉक किया गया, लेकिन अब ये जो आंदोलन है वो अब और भी ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ, और अब क्योंकि अलग अलग हिस्सों से जो किसान है वो इसके साथ जुड़ रहे हैं, लगातार उनकी तादाद बढ़ रही है। ऐसे में अब आगे क्या होगा इसके लिए आज का दिन बेहद अहम। उम्मीद हर स्तर से यही कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकले। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, अलग अलग किसान संगठन से जुड़े नेता की इस वक्त मौजूदगी है। अब से कुछ देर बाद ये जो मीटिंग है वो शुरू होने वाली है, कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग और एमएसपी को लीगलाइज करने की मांग, कानूनी गारंटी की मांग यहाँ पर किसान कर रहे हैं। और जो तेवर, जो रुख अभी तक किसानों की ओर से देखने को मिला है
वो इस पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। जब तक उनकी मांगे मान नहीं ली जाती तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे, ये बात किसानों ने स्पष्ट कर दी है। लेकिन आज मीटिंग में सुलह के रास्ते कैसे ढूंढती है सरकार, कैसे आगे बढ़ा जाता है, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। जब तमाम किसान विज्ञान भवन के लिए पहुंचे और उससे पहले उनके मन में क्या कुछ चल रहा था, क्या कुछ उनका कहना था, ये जानने की कोशिश की है मेरे सहयोगी राज वर्मा ने, सुनवाते हैं आपको। वीर सिंह जी, क्या कुछ उम्मीद है आज की आठवें दौर की बैठक को लेकर? निश्चित तौर पे देखो, आशा आदमी को सदैव रखनी चाहिए और हम भी आशावान हैं। निश्चित तौर पे लाखों किसान इस सर्दी में यहाँ पे हैं और सरकार को ये भी समझ में आ गया होगा, इतना लंबा अरसा हो गया कि ये किसान लौटने वाले नहीं है, इनकी जो मांग है उनको माना जाए, ऐसा सरकार शायद समझ गई होगी और आज सकारात्मक रहेगा, मामला निपटेगा। दो मांगे पहले ही जो थी उस पर सहमति हो गई किसान और सरकार की, दो मांगे अभी बची हुई है, क्या आज बात बनेगी उस सबको लेकर? निश्चित तौर पर बताया ना मैंने कि दो मांगे मान ली थी उन्होंने और दो बाकी दो मांगों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और आशा है कि उनका भी निपटारा आज होगा। अगर कहीं क्योंकि किसानों की जो मांगे हैं, दो जो कानून है कि तो तीनों बिलों जो कानून है उनको वापस ले और इसके अलावा MSP को कानून का रूप दे, अगर सरकार कह रही है कुछ संशोधन के साथ वो आ सकते हैं, अगर संशोधन आपके अनुरूप होते हैं तो क्या उसकी उस तरफ भी, उस दिशा में भी सोचा जा सकता है? कोई संशोधन पे बात होती तो ये इतना लंबा खींचता ही नहीं। शुरू में पहली मीटिंग में ही सरकार ने संशोधन की बात की थी और पहली मीटिंग के बाद जितनी भी मीटिंगें हुई हैं हर मीटिंग में उसको नकारा गया, तो वो तो इशू ही नहीं रहा संशोधन। अगर आज की बैठक में बात नहीं बनती है और अगर बातचीत का जो है आगे, बैठक का जो वो है आगे बढ़ता है, तो क्या किसान तैयार है कि आगे भी जो है वार्ताओं का जो सिलसिला वो कर? बातचीत के रास्ते कभी बंद नहीं करने चाहिए, सदैव खुले रहते हैं। कैसे होगी, कब होगी, वो हमारी कमेटी उसके बात है।